नरेंद्र मोदी रविवार को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 7:15 पर शुरू हुआ। भिवंडी में अलग अलग जगह पर जश्न मनाया गया। भिवंडी के नगर सेवक नीलेश चौधरी ने अपने जनसंपर्क कार्यालय पर समर्थकों के साथ जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। आइए देखते हैं एसटीएस टाइम्स की रिपोर्ट। पूरे देश में खुशी की लहर है कि आज इतिहास नरेंद्र मोदी जी ने रचा है और इतिहास में दूसरी बार किसी प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ली है। तो मैं यही चाहूँगा कि जैसे अपने नाम के अनुसार वो काम करते रहे, वैसे देशवासियों को संतुष्ट करते रहेंगे और आगे बहुत अच्छा काम करेंगे, यही हम आशा करते हैं। और 5 साल बहुत सक्सेस से वापस निकालेंगे और भी कोई अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो यही शुभकामना सब पूरे देशवासियों की मेरी तरफ से। आज हमारे देश के यशस्वी पंतप्रधान श्री नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार पंतप्रधान हुए, इसके वजह से पूरे भिवंडी में, पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। आज लोगों ने, यहाँ सारे महिला है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सभी ने पेड़ बांट के उनका खुशी जाहिर किया है कि मोदी साहब का जो काम है पूरे विश्व के अंदर है और विश्व गुरु बनने का उनका आज तीसरा टर्म पूरा उन्होंने किया है। तो मैं मेरे जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि इससे अच्छा वो काम करे और देश का नाम अपना तरक्की करे, देश का डेवलपमेंट करे, गरीबों को इससे ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करे, इसका मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। आज गुजराती लोगों को एक उत्साह, ત્રીજી વખત આપણા વડાપ્રધાને નરેન્દ્ર મોદી આજે શપથ લઈ અને એક ઇતિહાસ રચ્યો છે અને આગળ ભવિષ્યમાં આ 5 વર્ષમાં એક ઇન્ડિયાને, ભારતને વર્લ્ડના નકશા ઉપર એક આગળનો નંબર આપે અને એવી લોકોની ભાવનાથી આજે વડાપ્રધાન બની રહ્યા છે ને ભવિષ્યમાં એ આ પાર્ટીને પોતે વન મેન શો આજે જે કરી રહ્યા છે ને આ પાર્ટી સિવાય કાંઈ નહીં હોય અને મહારાષ્ટ્ર આવનારા ઇલેક્શનમાં મહારાષ્ટ્રમાં બીજેપી સંપૂર્ણ બહુમતીથી સરકાર બનાવશે અને નરેન્દ્રભાઈને આજે આ દરેક વતી શુભેચ્છા ખૂબ ખૂબ આપવામાં આવે છે। જય હિન્દ, જય હિન્દ।